नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम अलंकार की, अलंकार क्या होता है और इनको कीबोर्ड या हारमोनियम पे कैसे बजाया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अलंकार शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि अलंकार होता क्या है। अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन यानी आभूषण, गहने, सजने सवरने का सामान। अलंकार से हम अपनी गायकी को सजाते हैं। जब हम अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी आवाज़ तो अच्छी होती है, साथ में हमारे गाने में भी उसकी इम्प्रूवमेंट होती है और हमारी जो स्वर का ज्ञान है, जो हमारी जो स्वर की समझ है या हम कह सकते हैं हमारी म्यूजिक की सेंस है, वो बढ़ती है। इसलिए अलंकार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अलंकार को हम मेलोडिक फ्रेजेस भी कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे फ्रेज होते हैं जो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल सारेगा, रेगामा, गामापा, इस तरह के छोटे छोटे फ्रेजेस से हम अपनी गायकी को सजाते हैं और अपने गाने में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट अलंकार। दोस्तों कीबोर्ड या हारमोनियम के ऊपर कोई भी अलंकार बजाने के लिए आपको अपना, सबसे पहले अपना स्केल पता होना चाहिए कि किस स्केल से आप उसको बजाना चाहते हैं। तो चलिए हम बेसिक अलंकार की बात करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास रहता है वो है सारे गामा पाधा नीसा सानिधा पमागरेसा। मैं बात करने जा रहा हूँ उन बच्चों की जो अभी छोटी एज में है, आप करीब करीब समझ लीजिए जो सातवीं क्लास तक के बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट से लेके सातवीं क्लास तक के बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए जो स्केल रहेगा वो फोर्थ स्केल रहेगा, फोर्थ ब्लैक रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फोर्थ से ही प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्थ ब्लैक देख लेते हैं कहाँ पे हैं। तो ये फोर्थ ब्लैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं फोर्थ ब्लैक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हारमोनियम पर ये फोर्थ ब्लैक बनेगा। कीबोर्ड पे ये कोड का सेक्शन है इसलिए इसका नंबर 9 बन रहा है। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप फोर्थ से ही प्रैक्टिस करें जो सेवन्थ क्लास तक के बच्चे हैं, और अगर बड़ी क्लास की गर्ल्स हैं वो भी इसी स्केल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको बजाने का सबसे ईजी वे क्या है, आपको सबसे पहले इस स्केल को प्रेस करना है, इसको नंबर 1 समझ लेना है। आपको नंबर 1 समझने के बाद नंबर 1 पे आपका सा है, तो सा के बाद आपका जो तीसरा नंबर रहेगा की का वो आपका रे रहेगा। तो ये नंबर 1 है, 1 2, ये जो 3 है ये 3 है, ये आपका रे बन गया, सा रे 1 3। तो 1 के बाद 3 को बजाना है आपने और उसके बाद 5 को, 3 4 5, 1 3 5। चलिए बजा के देखते हैं, 1 3 5। इस तरह से आप पूरी की पूरी सरगम बजा सकते हैं। आगे चलते हैं, गा के बाद मा है, 5 के बाद 6 आ गया, 1 3 5 6। सिक्स के बाद आपको जो पा बजाना है, यहां तक हमने किया सा रे गा मा, 1 3 5 6 सारे गामा। आगे चलते हैं, आगे हम बजाएंगे पा, सारे गामा पा, तो पा आपका रहेगा 8 नंबर पे, 1 3 5 8, 1 3 5 6 7 8। तो आपको अब 8 बजाना है, 1 3 5 6 8। ये हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, सारे गामा पा, तो आप इसको कर सकते हैं, दा, दा, दा,
आगे चलते हैं। पा के बाद जो आपका धा रहेगा वो आठ के बाद नौ के बाद दस नंबर पे आपका आएगा धा। तो 1, 3, 5, 6, 8, 10। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो ये जो 10 की है ये आपकी धा रहेगी। मैं चलिए बजा के देखते हैं। 1, 3, 5, 6, 8, 10। एक साथ बजाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। धा के बाद जो नी है वो आपकी लास्ट की जो है 12 नंबर की है, 12 की है, वहां पे आपको बजाना है। तो चलिए 10, 11, 12, 10, 11, 12। इस तरह से 12 जो है वो आपकी क्या है, नी। हम पूरा बजा के देखते हैं। तो चलिए नी के बाद जो सा है वो नी के बिल्कुल साथ वाला है। यहां पे अगला ऑक्टेव शुरू हो जाता है इसलिए हम इसको की को नंबर नहीं दे सकते। आप ये समझ लीजिए कि नी के बाद जो साथ वाली की है वो सा की है। नी के बाद क्या है, सा। तो आप इतना समझ लीजिए कि नी के बाद जो अगली की है वो सा की है, जहां पे हमारी सरगम खत्म होने वाली है। मैं एक बार बिल्कुल स्लो में बजा के दिखाता हूं। 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, सा। दोबारा फिर 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, सा। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। मैं आपको बजा के दिखा देता हूं। तो दोस्तों इस स्केल से जब बच्चे छोटे बजाएंगे तो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और जब ये आप सरगम की प्रैक्टिस करें, फर्स्ट अलंकार की प्रैक्टिस करें, तो एक चीज़ इंश्योर कर ले कि आपकी आवाज़ इसके साथ मैच करनी चाहिए। ये जो स्केल मैंने बताया है ये छोटे बच्चों के लिए है, फोर्थ स्केल जिसको बोलते हैं, फोर्थ ब्लैक भी बोलते हैं, या इसको आप अगर वेस्टर्न में बोलेंगे तो आप इसको जी शार्प भी बोल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगली वीडियो में हम हारमोनियम के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि हारमोनियम पे फोर्थ स्केल के ऊपर हम फर्स्ट अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास हारमोनियम या कीबोर्ड है आप उसके ऊपर अलंकार की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जाते जाते दोस्तों एक खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 300 सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हो गए हैं, इसलिए मैं सभी तमाम सब्सक्राइबर्स का और व्यूवर्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहेगा और हम जल्दी ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे जिससे आपको और भी म्यूज़िक सीखने को मिलेगा। आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।